मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज हम आपकी मुलाकात रचना तिवारी, मशहूर हरियाणवी डांसर से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के जीत पर बधाई दी है और उन्होंने मोदी सरकार के लिए एक सॉन्ग भी गाया है। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। अपनी रचना तिवारी सभी को नमस्कार, राम राम करती हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मोदी सरकार जी को और मनोज तिवारी जी को, जो हमारे क्षेत्र के दोबारा सांसद बने हैं। उनको हमने फुल बहुमत से वोट सपोर्ट किया है, वोट दिया है। और मैं चाहती हूँ मोदी सरकार जी से कि जो उन्होंने वादे किए थे महिलाओं के लिए, वो पूरा करें। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देश में जो बच्चियों के साथ जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी, और इस पर कई जगह लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगी इसके बारे में, बहुत ही गलत हमारे देश में, अब से नहीं बहुत दिन से हो रहा है ये। और मैं प्रार्थना करूँगी मोदी सरकार जी से कड़ी सुरक्षा की जाए। महिलाओं के लिए मेट्रो और बस में फ्री सुविधा दिया है, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ, अच्छा किया है। लेकिन थोड़ी सी और इसमें जरूरत है सुधार की, कि जो हमारे कुछ महिलाएं हैं जिनकी 2-2.5 लाख महीनी तनख्वाह है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जो विकलांग लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए स्पेशली किया जाए कि फ्री सेवा ये छूट दी जाए जी। बिल्कुल सुनाना चाहूँगी हमारे मोदी जी के बारे में, क्योंकि आज बहुत खुशी है कि जो मैं दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनके लिए जरूर सुनाऊंगी। दुनिया में बुलंद सितारा से धाकड़ पीएम मोदी, हर मानस इसने चारा से धाकड़ पीएम मोदी, हर मानस इसने चारा। और जो हमारे इनके लिए बताया गया है, जो अभी हमला हुआ था पुलवामा में, हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं 44, उनके लिए भी मारे योद्धा फौजी भाई, थारी वीरता जग में छाई, हम तुझ पे गर्व करे से धन धन हो जननी माई, हम तुझ पे गर्व करे से धन धन हो जननी माई। कितनों ने जान गवाई, तुम्हें वतन जान से प्यारा, से धाकड़ पीएम मोदी, हर मानस इसने चारा।